बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 20 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक ये 10 रोज मंसूब हैं इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। 25 मुहर्रम का रोज़ इमाम सज्जाद की शहादत का रोज़। ये 10 दिन अयाम शहादत इमाम सज्जाद की मुनासिबत से मंसूब है और इस वक्त पूरी दुनिया में इमाम सज्जाद की शहादत की मुनासिबत से 49 वज़ादारी का सिलसिला जारी हो जाए। यह हमारा वो मजलूम इमाम है जो करबला के वाक़े के बाद 40 साल तक जिंदा रहे और जब तक जिंदा रहे खून के आंसू रोते रहे। ये वो साबिर इमाम है जिसने करबला में अपने भाइयों को अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देखा और करबला के बाद इस इमाम पर मसाइब के वो पहाड़ टूटे कि 40 साल तक इमाम खून के आंसू रोते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कूफा और शाम की गलियों में फिराया गया। इमाम से जब भी कोई पूछता था कि मौला आप पे सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ है तो मौला रो के 3 बार शाम 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 कहते थे। आज पूरी दुनिया में उस मजलूम इमाम की शहादत की मजाली से भरपूर जिसने 40 साल अपने बाबा हुसैन पे क्रिया किया। शहर लाहौर में जाफरिया कॉलोनी में 23 मुहर्रम को ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बरामद किया जाता है और इस ताबूत की बरामद इस कदर पुरदर्द है कि यह मनाजर देख के हर आंख में वेगिरिया होती है। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद 23 मुहर्रम को जाफरिया कॉलोनी का रुख करते और अपने मजलूम इमाम इमाम सज्जाद के ताबूत की बरामदगी देते। हर साल की तरह इस साल भी मैं भी अपने मजलूम इमाम के ताबूत की ज़ियारत के लिए मुझे पूरा साल इस ज़ियारत का शिद्दत से इंतज़ार होता है। जनाब सैयदा तमाम अज़ादारों का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
हो सलाम उस पर जो कैदी भी है, बीमार भी है, पाँव में आबले हैं और आबलों में खार भी है। हो सलाम उस पर। अस्सलामु अलैका या अली इब्न हुसैन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनुल आबिदीन।